नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दशहरा के टाइम में सिवनी के एक व्यापारी के प्रतिष्ठान भाग्यसी ट्रेडर्स से 63 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले को लेकर दिलचस्पी दिखाते हुए मामले में आरोपियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जिले की लखनादौन के समनापुर में रहने वाले सुभाष जैन नामक व्यापारी के भाग्यसी ट्रेडर्स प्रतिष्ठान से दशहरे के समय ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 63 लाख रुपए पार कर दिए थे। इस मामले में दिलचस्पी दिखाते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को चिन्हित किया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से मात्र 36 लाख रुपए ही बरामद हुए। दरअसल दशहरा के आसपास व्यापारी ने लगभग एक सप्ताह की बिक्री का पैसा बैंक में जमा ना करके प्रतिष्ठान में ही रख दिया था, और जिसके चलते 8 और 9 अक्टूबर की रात अज्ञात चोरों ने प्रतिष्ठान का ताला तोड़कर 63 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। अगले दिन जब सुबह प्रतिष्ठान खोलने जाने पर मालिक को पता चला तो ताला टूटा हुआ पाया, जिसके बाद व्यापारी सुभाष जैन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा विशेष दिलचस्पी ली गई और लखनादौन थाना प्रभारी महादेव, नागोतिया जिले की अन्य काबिल अधिकारियों और कर्मचारियों को इस चोरी का पता लगाने के लिए कहा गया, जिसके बाद आरोपियों के बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने 6 आरोपियों को चिन्हित कर लिया और गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपियों के पास से 63 लाख की रकम में से महज 36 लाख रुपए ही बरामद हो पाए हैं। सभी आरोपी लखनादौन से महज 4 किलोमीटर सिरमगनी और ग्वारी गांव के हैं। इस वारदात में लखनादौन थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी सुभाष यादव के शामिल होने का मामला भी प्रकाश में आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवनी जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने सुभाष यादव को सस्पेंड कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।